An arrogant person considers himself perfect. This is the chief harm of arrogance. It interferes with the person's main task in life, becoming a better person. मेघनाद लंकापति का अति बलशाली और पराक्रमी पुत्र था। एक समय पर मेघनाद ने इंद्र को पराजित कर बंदी बना लिया था, लेकिन ब्रह्मजी के हस्तक्षेप करने से मेघनाद ने इंद्र को छोड़ दिया था। उसी समय ब्रह्मजी के द्वारा मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि भी दी गई थी। उस अवसर पर ब्रह्मजी ने मेघनाद को वरदान भी दिया था कि उसे त्रिदेव ब्रह्म, महाविष्णु और महेश्वर भी नहीं मार सकेंगे, और वो व्यक्ति ही मार सकेंगे जो 14 साल तक नहीं सोया या ना ही कुछ खाया हो और गृहस्थ धर्म से दूर हो। ब्रह्मजी के वर के कारण ही महाविष्णु के अवतार श्रीराम भी मेघनाद का वध नहीं कर पाए। विश्वामित्र ऋषि से सीखे बला अतिबला विद्या के कारण वनवास के 14 साल में भूख और नींद पर काबू पाने वाले लक्ष्मण से मेघनाद का वध हुआ। रावण वध के पश्चात अयोध्या पहुंचे श्रीराम के पट्टाभिषेक के समय पर छत्र धारण कर लक्ष्मण श्रीराम के पीछे खड़ा था। उस समय लक्ष्मण को नींद आने से उनके हाथ से छत्र गिर गया। उस समय वहां मौजूद अगस्त्य मुनि ने श्रीराम को बताया कि रावण और कुंभकर्ण महावीर थे जिनकी मृत्यु श्रीराम के हाथों में हुई, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था जिसका वध लक्ष्मण के द्वारा किया गया। उस दौरान श्रीराम ने ब्रह्म जी से मेघनाद को दिए गए वर के बारे में जाना। तब श्रीराम को संदेह आया कि वनवास के दौरान श्रीराम हर दिन खाने के लिए सीता को फल देते हुए लक्ष्मण को भी देते थे, जो लक्ष्मण लेते थे, तो लक्ष्मण 14 साल खाने के बिना कैसे रहा। तब लक्ष्मण ने कहा कि वनवास के दौरान श्रीराम हर दिन उसे फल देकर रखने के लिए कहते थे, और लक्ष्मण श्रीराम के आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने अपने पास रखे हुए 14 साल के पूरे फल श्रीराम को दिखाए, जिसमें 7 फल कम थे। तब लक्ष्मण ने वो 7 फल का विवरण ऐसा दिया कि श्रीराम ने दशरथ महाराज की मृत्यु की खबर जिस दिन पता चली उस दिन, सीता के अपहरण के दिन, राम रावण युद्ध के दौरान जिस दिन मैरावण श्रीराम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक में छिपाया उस दिन, मेघनाद के कारण जिस दिन लक्ष्मण बेहोश हुए उस दिन, मेघनाद की मृत्यु जिस दिन हुई उस दिन, और रावण की मृत्यु के दिन श्रीराम ने खुद भी ना खाते हुए लक्ष्मण को भी फल नहीं दिए, जिसके कारण 7 फल कम हुए। लक्ष्मण की यह बातें सुनकर श्रीराम की आंखें नम हो गई और उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण को गले से लगा लिया।